रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करते हैं आप लोग क्या सब ठीक ठाक होंगे, सब कैसे होंगे। तो आज हम बना रहे आलू बैंगन का भरता, जो आप लोग से मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने बैंगन लिया, इनको भी मैं तो मैं पकाने के लिए रखूँगी, फिर आपको बताऊँगी कैसे बनेंगे। और ये मैंने 3 अदद प्याज ली थी, उसको मैंने कटिंग कर लिया बारीक बारीक। और 3-4 अदद मैंने टमाटर लिए, तो वो भी मैंने कटिंग कर लिए। अभी हम बनाते हैं और आपको साथ साथ बताते जाते हैं। देखिए अभी हम इसको रख रहे हैं बैंगन को अच्छे से। हम देखिए मैं इसकी फ्लेम चालू कर दूंगी, इनको दोनों चूल्हों के ऊपर इनको जला लेंगे बैंगनों को बहुत अच्छे से, उसके बाद आपको साथ साथ बताते देंगे। देखिए ये भी मैंने रख दिया, वो भी रख दिए, ये अच्छे से हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए हमारे बैंगन ये वाले हो गए, इनको मैं निकाल देंगे हम। ये जो मैंने दो पहले रखे थे इनके पक गए अच्छे से, ये देखिए बहुत अच्छे से पक गए। इसको भी हम पलटी कर लेंगे दूसरी साइड, ये भी पक जाएगी अच्छे से। दूसरे चूल्हे पर हमने रख दिया था, देखिए इसको भी अच्छे से पक गया, ये भी पक गया। इनको निकाल लेते हैं हम और दूसरे में रखते हैं। देखिए इनको हम निकाल के हम पानी में ऐड कर देंगे, ये ठंडे भी हो जाएंगे अच्छे से। हम इनको छील भी लेंगे दोनों ही बैंगन, और सभी मैं ऐसे बना के फिर आपको दिखाती हूँ। और ये वाला हम इधर रख देंगे बड़े चूल्हे पे। देखिए अब इनको भी हम रख दे रहे हैं इस नरकमा में, छोटे तो दो आ जाते, हम दो रख देंगे तो ऐसे जल्दी काम हो जाएगा इनसे। देखिए इनको मैंने दो को रख दिया, दोनों जल जाएंगे, उसके बाद मैं इनको छील लेती हूँ सभी बना के, फिर आपको तैयार करके मैं अभी दिखाती हूँ। देखिए इनको मैं छील लूँगी ऐसे, मैं इनको बैंगन को पानी में ही अच्छे से इनको छील लेंगे अब इनको सबको। ये देखिए छिलका आराम से उतर जाएगा इसका, देखिए बहुत अच्छे से सभी हम इसका छिलका निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से छिल रहा, आराम से ऐसे मैं सब छील के और आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए मैंने इनको छील लिया, दूसरा भी मैं ऐसे अच्छे से छीलूंगी, छिलके इसमें कोई भी नहीं है, बिल्कुल साफ हो गया। दूसरा भी मैं ऐसे तैयार करके, सभी मैं ऐसे तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने एक कप ऑयल चढ़ा दिया, ऑयल गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूँगी। और ये देखिए मैंने बैंगन कुछ छील लिया, उनको मैंने ऐसे चेक कर लिया, इसमें कोई सब्जी का जैसे कीड़ा होता है कोई चीज़ भी नहीं, बिल्कुल साफ सुथरे बैंगन है। उनको मैंने कटिंग कर दूँगी भी सभी। देखिए मैंने सभी से बोन में ऐड करती जा रही हूँ निकाल के, और मैं दूसरे जो उसको भी मैं छील लूँगी अच्छे से। उसके बाद मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूँगी ऑयल में। देखिए ऑयल गर्म हो गया, हम प्याज ऐड कर रहे हैं इसमें। अब प्याजों को अच्छे से इसमें थोड़ा सा जैसे मैं ब्राउन नहीं दे, जैसे कलर चेंज हो जाएगा प्याज का, उसके बाद मैं तो फिर दिखा दूँगी। मैं सभी प्याज ऐड कर दिए इसमें सुंदर मान रही। देखिए अभी इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारे प्याज हो गए, ऐड करेंगे इसमें टमाटर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए मैंने टमाटर ऐड कर दिया, और साथ में मैं सब्ज़ी मिर्च ली थी मैंने यार, तो मैंने कटिंग कर लिया ऐसे, वो ऐड कर दूंगी इसमें। और अभी मैं इसके अंदर मसाले ऐड करती हूँ और आपको बताती हूँ। देखिए इसको हम अभी मसाले ऐड करते हैं इसमें। देखिए अभी मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ, मैं इसके अंदर 1 टीस्पून सालन वाला मसाला ऐड कर रही, कोई सा भी आप ले सकते हैं। मसाला ऐड कर दिया 1 टीस्पून भरकर, और नमक ऐड करूँगी, नमक ऐड करना अपने टेस्ट के मुताबिक। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी किसी भी लाल मिर्ची 1 टीस्पून अभी भरकर। ये देखिए 1 टीस्पून किसी भी लाल मिर्ची, और 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्ची, और 1/2 टीस्पून हम ऐड करेंगे हल्दी। देखिए मैं अभी ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी, हल्दी ऐड कर दी हमने, और 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे पिसा हुआ ज़ीरा। देखिए 1 टीस्पून ज़ीरा पिसा हुआ, और 1 टीस्पून हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे पिसा हुआ। देखिए 1 टीस्पून सीरा धनिया पाउडर पिसा, और ऐड करूँगी मैं इसके अंदर 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची। देखिए 1 टीस्पून हमने ऐड कर दिया, 1 टीस्पून और ऐड करेंगे,
ठीक है। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे मसाले को। हमने मसाले को इतना भुना है जो हमारे टमाटर अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। तब तक भुनेंगे जब तक कि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो गए। देखिए हमारा मसाला माशाल्लाह बहुत अच्छे से भून रहा है और हमारे टमाटर भी बहुत अच्छे से इसमें सॉफ्ट हो गए। अभी हम ऐड करेंगे इसमें बैंगन जो हमने, देखिए अभी ऐड कर देंगे बैंगन। सभी मैं इसमें बैंगन ऐड कर दूँगी। इसको मैंने कटिंग कर लिया था अच्छे से। देखिए मैंने सब ऐड कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने सभी बैंगन ऐड कर दिए। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अच्छे से मिक्स करके उसके बाद हम इसको पकने देंगे जब सब मसाला इसमें अच्छे से बैंगन में मिक्स हो जाएगा। इसको मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप चाहे तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं। आलू वाला भी बनता है तो आलू वाला भी बहुत अच्छा बनता है, लेकिन मुझे सादा अच्छा लगता है तो इसलिए मैं सादा बनाती हूँ। इसमें आलू नहीं ऐड करती, तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। ऐसे बनाने में बहुत अच्छा टेस्ट मिलता है। ठीक है भैया, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया सब बैंगन को। अभी हम इसको कवर कर देंगे, इसको अच्छे से पकने देंगे जो सब बैंगन में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इस आँच हम स्लो कर देंगे, 10 से 15 मिनट तक इसको मैं कवर कर दूँगा। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे, हमें अगर ज़रूरत हुई तो हम फिर चला देंगे। देखिए अभी सारों को चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा से पक रहा है। हमारा भरता तैयार होने वाला है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अभी सब्ज़ धनिया। देखिए अब ऐड कर देंगे हम इसके अंदर सब्ज़ धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह हमारा भरता बन के रेडी हो गया। इसको हम थोड़ा भून लेंगे तेज़ आँच पे। देखिए इसको 10 से 15 मिनट तक मैंने कवर करके बनाया था। अभी मैं इसको भून लेती हूँ अच्छे से। हम तेज़ आँच पे इसको भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अभी हम कवर नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही भूनेंगे। और इसमें हम नमक चेक कर लेंगे, नमक सही हुआ तो हम नहीं ऐड करेंगे, नहीं कम हुआ तो हम और ऐड कर देंगे इसमें। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा सा बन गया हमारा भरता। देखिए खुशबू बहुत अच्छी आ रही है भरते में से। देखिए इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। कितना खूबसूरत सा बना, माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया। देखिए हमारा भरता बन के तैयार हो गया। अभी आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बन गया, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें से माशाल्लाह। देखिए करीब से आपको दिखाते हैं कितना अच्छा बन गया। अभी अभी हमारा भरता देखिए, देखिए अभी हम डिश आउट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हम डिश में ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया। मैं अभी आपको डाल के दिखाती हूँ। डिश आउट कर लिया माशाल्लाह, भरता हमारा बन के तैयार हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को भी अच्छी लगी होगी हमारी रेसिपी। जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा देना ताकि आपको हमारी वीडियो बरवक मिलती जाए। और इसी वीडियो के साथ हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।